बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशियों के दौरे के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा भी अब की जाने लगी है। इस बीच गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता डॉक्टर शशि भूषण राय ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद श्री राय ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा तेज कर दिया है। भाजपा के दो नेताओं ने हथुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। डॉक्टर राय पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। इस बार इनका दावा है कि भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरूंगा। मीरगंज थाने के छाप मटिया में रहने वाले डॉक्टर शशि भूषण राय पेशे से डॉक्टर है। भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान श्री राय ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बैठक में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। शशि भूषण राय ने कहा कि वर्तमान विधायक के प्रति वोटरों में काफी नाराजगी है। वोटर भी बदलाव को लेकर गोलबंद हो चुके हैं। 15 साल में हथुआ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जो मिल का पत्थर साबित हो सके। चीनी मिल, शराब मिल, डालडा फैक्ट्री सब कुछ बंद पड़े हैं। अगर विधायक इनको चालू करवा लिए होते तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में श्री राय ने कहा कि भाजपा में वरीय नेता गिरिराज सिंह ही सीएम के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं बीजेपी के लिए एक फूल रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और जो है भाजपा से ही हम जो है आम जनता के बीच और जो है घोषणा करता हूँ कि मैं अगर टिकट हमको नहीं मिलती है तो भाजपा से ही हम जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और नामांकन करूँगा। और नामांकन करने के बाद हमारा मुख्य एजेंडा ये है और पहले भी मुख्य एजेंडा ये है कि रेलवे, सड़क, बेरोजगारी, जो शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र का जो भी स्तर गिरा हुआ है उसको मैं बेहतरीन करूंगा। और जरूरत पड़ेगा तो विधायक मंड वाले फंड के पैसे के बाद भी हम अपना वेतन भी क्षेत्र के विकास के लिए और बेहतरीन करने के लिए, गिरे स्तर को उच्च स्तरीय करने के लिए लगा दूंगा। हथुआ जो है चीनी मीरगंज जो चीनी मिल है उसको चालू कराऊंगा जिससे कि बेरोजगारी दूर होगी, और सभ्य हवाई अड्डा चालू कराएंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का भारत वर्ष में नाम होगा। और मैं पूर्ण रूप से घोषणा करता हूं कि मैं भाजपा समर्थक हूं और पूर्ण भाजपाई हूं, 100% भाजपाई हूं। इसलिए अगर टिकट भाजपा हमको नहीं देती है तो हम जो है भाजपा से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। संवाददाता सोमेश्वर तिवारी, VSRS न्यूज, गोपालगंज, बिहार।